गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपनी ईवीएस की क्लास। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो सब लोग अभी अपनी ईवीएस की टेक्स्ट बुक निकालो, देखो पेज नंबर 59, क्योंकि आज की क्लास में हम देखेंगे लेसन नंबर 30, वेदर एंड सीजन, इस लेसन की क्विक रिवीजन। ओके, तो देखो क्विक रिवीजन का मतलब क्या होता है ये तो आप सबको पता है, क्योंकि हमने अपने टोटल 30 लेसन कंप्लीट की है। ओके, एंड हर एक लेसन में लेसन फिनिश होने के बाद होती है क्विक रिवीजन। उसका मतलब क्या हुआ कि हमने इस लेसन से क्या क्या सीखा उनके कुछ शॉर्ट पॉइंट। ओके, तो देखो यहाँ से हमने क्या सीखा, यहाँ पे हमें पहला पॉइंट मिलता है कि द कंडीशन ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड वेदर। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि हम जहाँ पे रहते, कहाँ पे रहते हैं हम, पृथ्वी में, यानी कि अर्थ पे। ओके, तो अर्थ में जहाँ पे हम रहते हैं, तो अर्थ में क्या होता है कि अपने आसपास हवा होती है, पता है आपको। तो ये जो हवा की जो स्थिति है उसको हम क्या बोल सकते हैं, वेदर। उसको ही हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द कंडीशन ऑफ एयर इज कॉल्ड अ वेदर। समझ में आया आपको। सेकंड थिंग, तो यहाँ से हमें सेकंड पॉइंट क्या मिलता है कि वी वियर कॉटन क्लॉथ्स ऑन अ हॉट डे। तो हॉट डेज में हम कौन से क्लॉथ्स पहनते हैं, कॉटन के क्लॉथ्स पहनते हैं। समझ में आया आपको। उसके बाद क्या है, वी वियर वूलन क्लॉथ्स ऑन अ कोल्ड डे। जैसे कि हम हॉट डेज में कॉटन के क्लॉथ्स पहनते हैं, उसका सेम उल्टा क्या करते हैं हम कि कोल्ड डेज में हम पहनते हैं वूलन के क्लॉथ्स। ओके, उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या मिलता है यहाँ से हमें, वी वियर रेनकोट्स एंड यूज अम्ब्रेलास ऑन अ रेनी डे। यानी कि रेनी डेज में हम कौन से क्लॉथ्स पहनते हैं, अम्ब्रेलास एंड क्या, रेनकोट्स। ओके, देखो ना अभी अम्ब्रेलास एंड रेनकोट्स है यहाँ पे, तो रेनकोट्स हम पहनते हैं एंड अम्ब्रेला जो होता है वो हम यूज करते हैं। समझ में आया आपको। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने इस लेसन से सीखे, तो इसलिए आपको अच्छे से ये लेसन पढ़ना है और समझना है। ओके स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे लेसन नंबर 30, वेदर एंड सीजन, इस लेसन की।